तो ये डेट एंड टाइम एंड टेक्स फॉर्मूला का टेक्स फाइल है। सबसे पहला क्वेश्चन है काउंट टोटल नंबर ऑफ बी एफ, मतलब जो कैरेक्टर्स है इसमें ए टू के अंदर, राइट। तो इन्होंने सही काउंट किया है, आशीष जी आपने सही ढंग से लगाया है, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। सर बिल्कुल। और मैंने एक मतलब मैंने ये इंटरनेट पे रिसर्च किया, पर एक तरीका था, काउंट इफ लगाते हैं बी के साथ तो ये काउंट नहीं करता, काउंट इफ जो है। नहीं, यहाँ पे काउंट ये देखिए हुआ क्या है, इसमें एक चीज दिक्कत और भी है, क्योंकि आपने से ध्यान नहीं दिया, ये आपका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो केस सेंसिटिव होता इसमें शायद मैंने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मैंने एक बी एक कॉलम इंसर्ट किया है शायद ये स्मॉल बी का, है। हाँ वही मैं है देखा, ना। टाइप ही नहीं पा रहा। अच्छा मैं देखिए, इसमें कोई कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। होता है क्या है कि छोटे स्मॉल बी तो केस सेंसिटिव होता है, तो जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना ए टू एंड बी वन, इन दोनों को आप यू केस में कन्वर्ट कर दें, अपर केस में, तो दोनों अपर में हो जाएंगे क्या सर? तो बी तो आपका, ऑलरेडी अपर केस में, अरे एक लोअर के, इधर भी लोअर केस है ओके ना, ठीक अपर है तो अपर ही रहेगा, काउंट है। हो गया। तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे रुपेंद्र जी एंड रवि जी कि कैसे हुआ है। नहीं सर जी नहीं। देखिए क्या है कि सबसे पहले हमने लेन से काउंट किया कि ये कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, 10 है। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया और हमने इसमें से बोला कि जितने भी इसके अंदर ई है उस ई को ब्लैंक कर दो, मतलब कि डिलीट कर दो, क्योंकि इस ब्लैंक को लेन काउंट नहीं करता है। और फिर मैंने लेन लगा के काउंट किया, तो इस 10 जो था ई के साथ, सॉरी 10 जो था ई के साथ था और 7 ई के विदाउट है, तो कितने ही हुए? आ गया सर। इसी फॉर्मूले को सबको यहां पे इकट्ठा हमने किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। एक बार दोबारा बताओगे सर जी, क्या क्या किया आपने इसमें, लेंथ में क्या किया क्या? सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, पहले लेन काउंट किया है कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, फिर हमने डिलीट कर दिया जिस करेक्टर को हमें काउंट करना है, फिर डिलीट करने के बाद फिर काउंट किया, फिर दोनों को मैच। ओके ठीक है ठीक। बच्चों वाली चीज ये थी सर, लेकिन आप बच्चे नहीं है ना इसलिए। बिल्कुल सही बात। तो इसमें एक चीज और था कि सब्स्टिट्यूट जो है, जो ब्लैंक मतलब रिप्लेस कर रहा है ब्लैंक से, वो के होता है, समझ गए? तो के सेंसिटिव होने के कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जैसे कि स्मॉल ई लिखे हुए यहाँ पे, मान लीजिए ऊपर में, प्लेस नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा ना, तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया अपर फॉर्मूला। अपर फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करता है। हो गया, अब इसी में यहाँ पे इकट्ठा लगा हुआ है, आप चेक लगा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था कि मुझे ज्वाइन करना है कि मनीष कुमार, क्या हुआ था कि मनीष कुमार नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ लीव है,
क्या होता है कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर निकालना पड़ता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर, उसमें उस तरह से लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वर्ड पे रहेगा, तो मुझे बार बार हर किसी के लिए कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या मैनुअल टाइप करना पड़ेगा क्या सर? तो हमने फॉर्मेट एक्सेल पे बना लिया। एक्सेल पे बनाने के बाद डेटा जो है हमने लिंक कर दिया डेटा से, तो वहां दिक्कत हो रही थी कंबाइन करने के लिए। तो कॉनकाटा नेट लगा के कंबाइन कर सकते हैं। इसमें इन्होंने टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि अगर विदाउट टेक्स्ट फॉर्मूला कंबाइन करते डेट को तो क्या हो जाता है, और नंबर सीरियल नंबर में जाती है, इसलिए टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया इन्होंने, बहुत अच्छा किया, गुड। अब यहाँ पे था कन्वर्ट नंबर बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, ये भी अच्छी चीज है। एक चीज और है सर, जैसे कि आपने यहाँ पे नंबर दिया और मुझे कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू का फॉर्मूला तो है जिसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है कि मैं इसमें अगर प्लस जीरो कर दू तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने लिख रखा है और उसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कन्वर्ट करके कैलकुलेट करता है। तो हमने प्लस जीरो कर दिया या मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, इससे हमारे कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होते हैं, बट मेरा नंबर कन्वर्ट हो गया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये भी है, जान लीजिए। छठा क्वेश्चन है कि मुझे एज कैलकुलेट करना है, तो आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था डेटेड इफ का, किसी बिटवीन डेट के, मतलब किसी का एज निकालना हो या किसी डेट के बिटवीन आपको ईयर मंथ डेट एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, तो हम डेटेड इफ निकालते हैं। यहाँ डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे वाई लगाया इट मीन्स ईयर, और यहाँ पे वाई एम लगाया मतलब ईयर के बाद का मंथ, और यहाँ पे एम डी लगाया कि मंथ के बाद का डेट। सर ये चीज हमने की नहीं थी, ये नेट पे देखा कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए, कोई पूछा था शायद, मैंने लगा मैंने शायद क्लास मिस कर दी है वाली, शायद हम डेट भूल गया हूँ। और सर इसमें इसकी बहुत एप्लीकेशन है, वाई एम और समथिंग ऐसे ऐसे करके बहुत और भी एप्लीकेशन है, मतलब और भी एम डी और समथिंग कुछ ना कुछ लगा के और भी तरीके से पुल किए। आपको ये दो ही तीन चीज अप्लाई होती है, बाकी चीजें बीवी के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे था कि मैं यहाँ मंथ लिखूं, मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट दी है। ये आपने गलत 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 किया सर आपने, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम यहाँ पे डेट नहीं लिखते थे, हम यहाँ पे सिर्फ लिखते थे मंथ इन द टेक्स्ट फॉर्मेट में, समझे? उसमें भी फैब ही तो था, नहीं फैब लिखा था, फैब नहीं था, डेट था। ओके, हमारे आंखों से नहीं छुपे रहा सर, कस्टम फॉर्मेट लगा के आपने फैब कर दिया था इसको। हाँ मैंने सर इसको कन्वर्ट किया, कस्टम फैब में जाके आपने एमएम कर दिया था, इरा तीन बार एमएम तो फैब दिख रहा था, तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कैसे होगा कि वन यहाँ पे वन डैश और इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, इसको आ गया वन फाइव, और लेकिन डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको आप डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे प्लस वन जीरो कर देंगे फिर हो जाएगा, हो गया डेट। अब एंड डेट के लिए क्या करेंगे, हम ईओ मंथ का लगा देंगे। मंथ क्या करता है, हर महीने की लास्ट डेट देता है, तो जो भी मंथ आप डालेंगे, फरवरी की जगह पे मैंने मार्च किया तो मार्च, अप्रैल, तो हर महीने की स्टार्ट डेट एंड डेट ऐड।
अब इसका इस्तेमाल हमने इसलिए किया है, कल के डेट में ऐसा हो सकता है कि आपको मंथली रिपोर्ट शो करवानी हो तो अब आप एक जगह पे क्लिक करें और नीचे रिपोर्ट बन के आ जाए, तो स्टार्ट डेट एंड डेट की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन था, नहीं गलत किया, नहीं नहीं सर हमने भी सर ऐसे डेट और टाइम वाले कॉलम पे हम गए नहीं है अभी तक, हमने क्लास करी नहीं है इसकी अभी। डेट की कैलकुलेशन बताया था, नहीं वो टाइम अभी अभी हम फॉर्मूला में क्या नाम है टेक्स्ट पे थे, टेक्स्ट के बाद डेट पे भी गए कहाँ हैं? डेट की क्लास ली है जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है हमने नहीं लिया है, अगर लिया तो शायद मैंने मिस करी है, मेरे पास तो एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। आशीष जी डेट, हाँ जी सर, डेट इफ डेटेड इफ तो आपने ये सब चीजें कराई हैं, डेटेड इफ नहीं कराया होगा, लेकिन आपको डेट ई डेट लिखा ही था आपको मैंने, डेट को ऐड करना वो सब कुछ चीजें, पर मैं कह रहा हूँ वैसे जो डेट का जो फॉर्मूला होता है पूरे उसमें शायद हम लोग गए नहीं है। ठीक है देख लेते हैं, तो एक नई फॉर्मूला डेटेड इफ ही आपको दिखी है ना, और एक ईओ मंथ, दो फॉर्मूला नया दिखा आपको, चलो चलिए देखते क्या क्या छुटा हुआ। अब इसमें कोई आपको तो आते हैं, इसमें हम एक क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बिलिंग साइकिल है जो कि हर महीने की 5 तारीख से 6 तारीख तक चलती है और ड्यू डेट हमारा 26 तारीख को होता है। क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं ना, जैसे मैंने अगर 1 जनवरी 2015 को 15 या 18 का एक कर देता हूँ, लेटेस्ट डेट डाल देता हूँ, चल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 15 की जगह पे 18 मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए कि मैंने 1 तारीख को शॉपिंग की है तो इसकी बिल तो मुझे इसी महीने की 26 तारीख को देना होगा ना, क्योंकि 6 तारीख को बिल जनरेट होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, वही बात अगर मैंने 13 तारीख को परचेज किया तो इसका बिलिंग तो अगले महीने 6 को जनरेट होगा, तो अगले महीने की 26 को देना होगा क्या? तो यहाँ पे आपको 26 निकालना है। तो ये होता ही है कि जो भी आप डेट डालते हो तो उसी महीने की 26 तारीख या उसके अगले महीने की 26 तारीख का डेट आपको आता है, आपको यही पे चूज करना है कि इस महीने की 26 तारीख है या अगले महीने की 26 तारीख। तो अगर उसका डेट 6 तारीख से छोटा है तो इसी महीने की 26 तारीख है, 6 तारीख से बड़ा है तो अगले महीने की 26 तारीख, समझ गया? तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ का और डे के लिए हम डे का फॉर्मूला चेक करेंगे, और ये फॉर्मूला मैं आपको बता भी रखा हूं और बोलूंगा कि लेस देन इक्वल टू 6 देन मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेट में मैं बोलूंगा ईयर कि इसमें से A5 में से ईयर को अलग करो कॉमा मंथ मंथ, हमने बोला इसमें से मंथ को अलग करो और डे हमारा पता है 26 तारीख को, तो अगर 6 तारीख से छोटा हुआ मतलब कि मुझे इसी महीने जिस दिन शॉपिंग हुई है उसी महीने की 26 तारीख का शॉपिंग डेट ड्यू डेट शो कर, अगर नहीं बड़ा है तो मुझे उसके अगले महीने की, तो हमने क्या किया मंथ में प्लस 1 कर दिया, समझ गए? 26 तारीख आ गया। अब जाए तो यहां देखिए 26 फरवरी को पे कर रहे हैं, 26 फरवरी है, मार्च है, 2 18 मार्च को हुआ, इसलिए 26 18 फरवरी को है, 26 फरवरी को 2 मार्च का है, 26 मार्च का है। एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, ये तो आपने किया ही है कि किसी पर्टिकुलर डेट में नहीं हमने बोला है कि इस डेट में मतलब कि 20 मार्च 2015 में 3 साल 4 महीने और 25 दिन को ऐड करना है, 3 साल 4 महीने और 25 दिन ऐड करना है, ये तो बताया था सर आपको तरीका, याद है?
मैंने डेट में ईयर को इसमें से अलग किया और इस ईयर में प्लस कर दिया थ्री, फिर मैंने मंथ जो है अलग किया इसमें से और मंथ में प्लस किया फोर, फोर और फिर हमने डे में अलग किए इससे और हमने डे में प्लस कर दिया 25, तो मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये, हाँ तो ऐसे आपने ऐसे ही किया है लेकिन नहीं गलत, इसमें आपने टेक्स्ट क्यों लगाया हुआ है? नहीं गलत 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 गलत। देख क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप सुबह जाते हैं और शाम को चले आते, मान लीजिए कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 8 बजे में ऑफिस से घर लीव होके चल दिया, तो कितना घंटा ऑफिस में काम किया? तो एग्जैक्टली आप 8 - 10 कर सकते हो, तो आप आवर निकल जाता है कि आपने 10 घंटा ऑफिस में काम किया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप जो है आज दोपहर के 2 बजे ऑफिस गए और रात के 3 बजे ऑफिस से छूटे, तो 2 माइनस नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि डेट चेंज हो जा रहा है ना। सेम थिंग यहाँ है कि 20 तारीख को मैं शाम को 3 बजे ऑफिस गया और 21 तारीख को सुबह 10 बजे ऑफिस से निकला, तो मैं कितना घंटा काम किया? ऐसे मैं 22 तारीख को मैं रात को 10 बजे ऑफिस गया, 10 मतलब 11 बजे के आसपास, और 23 तारीख को सुबह 3 बजे ऑफिस से छूटा, तो मैं कितना घंटा काम किया? तो टाइम माइनस टाइम तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए क्या हुआ, खाया तो डेट एंड टाइम को आप एक जगह पे लिखे, अगर नहीं लिखा हुआ है अलग अलग है तो दोनों को प्लस कर दे। इस तरह से समझे क्यों? देखिए जो नंबर है वो आपका डेट है, जो डेसिमल है टाइम है। सर लेकिन ये टाइम दिखता नहीं है, मतलब अगर हम इसको कस्टम फॉर्मेट से करें कि एक्चुअल में क्या चीज आ रही है, मतलब सीरियल नंबर दिख रहा है प्लस। हाँ सीरियल नंबर दिखेगा, नंबर दिखता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है कैलकुलेशन के लिए। तो लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, समझ गए, हमने इसको कर दिया, तो ये आ गया टाइम। अब मुझे अब ये टाइम आ गया, तो टाइम क्या है डेसिमल्स में, तो आप क्या करें टाइम फॉर्मेट में जाएं और जो 37, 30, 55 का फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करके ओके करें, तो आपको दिख जाएगा 19 घंटा काम किया, 4 घंटे 47 मिनट काम किया है, 30 घंटे काम किया है। सर मैंने इसको टेक्स्ट से किया, आई थिंक आंसर तो सेम ही आ रहा है, 19 आवर्स और 4 घंटे का। मैंने कंबाइन किया इसको ए एंड एफ को टेक्स्ट के थ्रू, मतलब एक तरीके का बोला है कि आपने का रिजल्ट गलत है, हमने बोला आपका तरीका गलत, तरीका गलत। लंदी तरीका है, क्यों टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है क्या? ठीक है सर, -24 भी तो कर देंगे तभी तो आ जाएगा ना, अगर एक दिन पीछे क्या -24, अगर हम आउट माइनस इन करेंगे एंड देन उसको टोटल को माइनस कर देंगे 24 से, ऐसा भी आना चाहिए ना रिजल्ट, तो नहीं बन रहा है कि आप आउट माइनस 24 करेंगे और फिर माइनस करते हैं, दोनों को ब्रैकेट में करके -24 करना, दोनों को ब्रैकेट में कर दो -24। सबसे पहले बात की होगा ही नहीं पहला, क्यों? क्योंकि ये लोअर है ये हायर है, तो टाइम कोई भी लोअर माइनस हायर नहीं होता। अच्छा हाँ सॉरी, और इसी यहाँ पे 24 अगर करते हैं तो मुझे 24 को लिखना पड़ेगा टाइम फॉर्मेट। हम करके देखते हैं, नहीं हुआ ना, कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा। ऐसा क्यों रह रहा है सर, ये फॉर्मेट ही माइनस का टाइम तो नहीं होता है? नहीं ठीक है सर, मतलब ये सेल आप बड़ा भी कर रहे हो फिर भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है। अब इसका क्या पीछे लॉजिक है, मुझे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है।
किसी ने पूछा नहीं मुझे, आपने पूछा है रिक्वेस्ट स्टडी के लिए, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये क्या है क्वेश्चन नंबर टू या हाँ सर, ये मैंने टू और फोर वाला छोड़ दिया था पार्ट जिसमें मिडल नेम और रेप्ट के एडिशनल यूजेस। तो मैं बताया था आपको, ये तो हम आपके क्लास में करा चुके हैं ना, तो तब करना चाहिए था। ये करवा दिया था आपने, आप उस वीडियो को रेफरेंस में लेके कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर भी मैंने कराया था रेप्ट के यूजेस। हाँ ये तो कराया बोला, दोनों को रेफरेंस में लेके कीजिए आप। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो कल की क्लास, आप दूसरी चीज आप एक भी और एक काम और कीजिएगा, जैसे हमारी बातचीत चल रही थी कि आप जो है फॉर्मूला बार के इसमें टाइम फॉर्मूला बार में चले जाइएगा, डेट एंड टाइम में आप इसमें से देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला हमने आपको नहीं कराया है और आपको नहीं आता, हम कल करा देंगे। ठीक है सर, एक चीज है सर, अभी ना जैसे पूरी कमांड नहीं बनी है, खासकर जैसे टाइम के फॉर्मूले जहाँ पे आपने ना एक जगह भी फॉर्मूला यूज किया टाइम के साथ 24:00 लगा के वो वाला, ऐसे कुछ कुछ ऐसे एरियाज आप बता सकते हो और जहाँ पे मतलब मैं कैसे फ्रेम करूँ इस क्वेश्चन को। एक काम कीजिए आप अटेंडेंस शीट बनाइए, अटेंडेंस शीट में आप टाइम ट्रैकर बनाइए, फिर ओवर टाइम कैलकुलेट कीजिए, तब इस पे काम करेंगे तब ना कमांड बनेगा। कोई एक्सरसाइज के लिए और नहीं क्या सुजीत जी आपके पास में, तो जिसमें मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं नाम और अच्छा कोई, आपने एक एक्सरसाइज तो किया ही नहीं था तो 200 कैसे दोगे पहले एक बार आप कीजिए। अभी आप क्या करें, सुनिए अभी आप क्या करें कि डेट एंड टाइम के सारे फॉर्मूले को स्कैन करें, जो फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं वो लिस्ट बना के मुझे बोले, मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। दूसरी इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को आपने किया नहीं, दोबारा से करें, जो आज जो चीजें बताई उन चीजों को इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, ओके जी, ओके, ठीक है सर, कल सेम टाइम, ओके जी, ओके।